दोस्तों नमस्कार, सभी भाई भाई फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव्य पर। दोस्तों आज तारीख है 2 नवंबर 2020, सोमवार का दिन है और आज काफी दिनों बाद कुछ एक खास वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं भाइयों के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने मूंगफली का नीरा मंगवाया है अपने गोवंश के लिए और आप देख सकते हैं ये बड़े चाव से खाते हैं जी। ये हमारा बुल है शंभू और ये आप देख सकते हैं कि नीरा कितने चाव से खा रहा है। ये मूंगफली का नीरा जी बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला होता है। सबसे खासियत ये है कि आप जो इसकी पत्ती देख पा रहे हैं ये बिल्कुल हरी है और अगर आप पराली या गेहूं की तुड़ी की बात करें तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ खास नहीं होता, लेकिन इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशन है और इसके अंदर ये देखिए पूरा हरा पत्ता है एकदम। ये देखिए इसमें पत्ता भी है और इस तरह की इसमें डंठल भी मिलेगी जो उसका तना है और ये मेरे हाथ में कुछ है कि ये जड़ है, इसकी जड़ भी है, यानी कि जड़ भी मिलेगी, तना भी मिलेगा और पत्ता भी। उसके अलावा इसका जो फ्रूट लगता है यानी कि इसको कहते हैं मूंगफली, मूंगफली भी इसमें रहेगी, चारों चीजें रहती हैं। अक्सर जैसे खेती में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब बात की जाती है, जो दलहनी हमारे फसलें हैं उनमें जो ये जो अपनी दलहनी फसलें नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती हैं, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो जड़ है इसकी, ये आप देख सकते हैं जी, ये आप देखिए ये गाठे हैं, इसी के अंदर गाठे बनी हुई हैं, ये छोटी छोटी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा और नजदीक से, ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं जड़ें और जिसके कारण से जमीन के अंदर जो उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि आपको यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। और इस मूंगफली के नीरे को पशु बहुत चाव से खा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी तरह का कोई भी इसमें दाना नहीं मिला हुआ, कोई हरा डालने की जरूरत नहीं, ये कंप्लीट फूड है अपने आप में। इसमें दाने के नाम पे कुछ इस तरह की कुछ अपने ये जैसे मूंगफली की गिरिया भी मिलती हैं और ये इस तरह की मूंगफली भी मिलेगी, उसके अलावा जड़ भी मिलेगी, जड़ में भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है। जड़ में जैसे अगर एग्जाम्पल सतावरी है, अश्वगंधा है, सफेद मूंगफली है, इन सब की जड़ें इस्तेमाल होती हैं और मूंगफली की जड़ों में भी काफी ज्यादा ताकत है, इसके तने में भी ताकत है और इसकी जो इसका जो लीफ पत्ते हैं, पत्ते हरे होने के कारण पशु बहुत चाव से खा रहे हैं। किसी तरह का कोई भी इसमें पशु को कोई अफारा नहीं आता और पशु कमजोर नहीं होते, पशु उल्टे मोटे हो जाते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि हमारे जो गवार का जो नीरा है, गवार का नीरे में जो दूध वाले पशु हैं उनको नहीं डाला जाता गवार का भूसा, जो कि काफी गर्म होता है, वो जो पशु आपको तैयार करने हैं उनके लिए आप खिला सकते हैं। मूंगफली का नीरा आप दूध वाले पशुओं को भी डाल सकते हो और साथ में आप जो पशु दूध नहीं दे रहे उनको भी आप तैयार करने के लिए खिला सकते हो। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी है, ये आप देख सकते हैं जी, ये हमारा शंभू बुल किसे कैसे खा रहा है, बहुत मजे से खा रहा है चाव से एकदम। अच्छा, अब इसमें जैसे ये रेगिस्तान के एरिया में मिलता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत रेत भी मिल जाए, ये आप देखिए ये कुछ रेत है इसमें, ये देखिए, तो ये रेत अपने आप ही नीचे चला जाए क्योंकि हमारी खुरली इस तरह से डिजाइन नहीं की गई जिसमें कि रेत आए, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें ये देखिए ये काफी इसमें कुछ नीचे रेत भी रहता है, लेकिन ये रेत अपने आप ऐसे करके ना बस ये रेत अपने आप नीचे निकल जाएगा। ये मैंने अभी कुछ राजस्थान साइड में मैं गया था तो मैंने वहां पे देखा था कुछ नीचे ना खुरली के नीचे जाली लगा रखी है, लोहे की जालियां, जिस कारण रेत बारीक कण धूल मिट्टी के वो सब नीचे निकल जाते हैं और जो अच्छा साफ नीरा है बस वो ऊपर रहता है, ये आप देख सकते हैं जी। अगर आप अपने पशु को नियमित रूप से मूंगफली का चारा देंगे
तो उनके पशुओं में जो भी किसी भी पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपका आपकी कॉस्टिंग कम आएगी। ये अभी हमारा यहाँ पे करीब करीब 5 रुपये 70 पैसे पड़ा है पर केजी। और अभी क्योंकि अभी जैसे शॉर्ट काफी मात्रा में कम हो रहा है तो मिलता कम है, और अभी जैसे अभी हमने और ऑर्डर दिया है मैंने करीब 100 क्विंटल का अपने लिए, तो करीब 6 साढ़े 6 रुपये तक लास्ट, मतलब 6 रुपये तक पड़ेगा मेरे को, 6 रुपये तक पर केजी। तो आप समझ सकते हैं कि जी 6 रुपये पर केजी में भी कोई नुकसान नहीं है। अभी सीजन पे 5 रुपये 6 रुपये की केजी तो तूड़ी हो जाएगी गेहूं की, गेहूं का भूसा, और पराली भी काफी ज्यादा महंगी मिलती है। उसके अलावा इसमें जो हरा है, अगर मैं हरे की बात करूं तो हरा भी काफी महंगा मिलता है, जैसे अभी सर्दियों में ना क्योंकि बिजाई कम हो जाती है और मक्की वगैरह है ये काफी काफी कॉस्टली मिलती है। तो अगर आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं ये मूंगफली का, अगर आप अपने पशुओं को मूंगफली का नीरा खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आप किसी से मंगवा लीजिए, गुजरात वगैरह में तो काफी मूंगफली होती है, कुछ मध्य प्रदेश में भी होती है, यूपी साइड में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में ज्यादा होती है। तो जहां से भी आपको कोई भी सोर्स मिलता है थोड़ा सा सोर्स तलाश करके रखिए और मूंगफली का नीरा आप मंगवा के रखिए। ये इसमें पशु जुगाली बहुत अच्छी करता है और पशु की चमड़ी में चमक आ जाती है, बहुत ज्यादा जल्दी गोल मटोल पशु हो जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने पशुओं को गवार का नीरा, मूंगफली का नीरा, उसके अलावा मटर का नीरा है वो भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, मटर का भी नीरा आप खिला सकते हैं। और उसके अलावा आप इसमें गवार का नीरा तो आप डालिए, मूंग मोठ का नीरा भी आप डाल सकते हैं। तो जो भी आपको वहाँ पे किसी भी दलहनी फसल का, कोई भी दलहनी फसल का भूसा आपको कोई भी अवेलेबल होता है तो आप डाल के खिला सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत चाव से पशु खाते हैं। ये आप देख सकते हैं गाय माता बहुत खुश रहती हैं, इससे जुगाली बहुत अच्छी करती है। ये खा के ना एक तो पशु पानी बहुत ज्यादा पीता है, बहुत जबरदस्त प्यास लगती है जिसके कारण से उसका अच्छा पानी पीता है। उसके बाद पानी पीने के बाद में जुगाली बहुत अच्छी करेगा। ये पहले सबसे पहले पशु ये खाएगा, ये खाने के बाद फिर पानी पिएगा, उसके बाद बैठ के जुगाली करेगा। तो दोस्तों अगर आप अपने पशुओं की सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, अपने डेयरी फार्म को प्रॉफिट में लाना चाहते हैं, तो अपने आसपास के ही एरिया में सर्च कीजिए, दूर ना जाइए। जितना आप दूर से मंगवाएंगे ना उतना ही आपको कॉस्टली पड़ेगा। और अगर किसी भी पशुओं की अगर एनिमल फीड की कॉस्ट बढ़ती है तो आपका यदि दूध की तो कॉस्ट उतनी ही रहती है, लेकिन एनिमल फीड जो कॉस्ट है, खर्चे खाने खिलाने की जो फीडिंग कॉस्ट है वो अगर ज्यादा बढ़ गई तो आपका फिर प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। तो इसलिए जो पशु दूध नहीं दे रहे उनको तो आप सबसे बेस्ट है मूंगफली, मूंग मोठ और गवार, ये 3-4 आइटम मिलती हैं। और अभी सर्दियों में तो जैसे चने का आ जाएगा। बस बैठे, बस 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 मान जा शंभू, ये हमारा शंभू बीच में रहता है। तो मेरे भाइयों अगर आप अपने फार्म की फीडिंग कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने अपने लिए ऐसा चारा खोजिए जो आपके आसपास मिले और बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल हो जाए ताकि आपकी कॉस्टिंग कम आ जाए। अगली कोई वीडियो में अभी गवार का भी नीरा बुक करूंगा। चलिए ये जो मैंने स्टॉक मंगवाया है उसके बारे में भी आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा मूंगफली का हमने अभी हम इसके स्टॉक मंगवाया है और ये भी इसमें इसको बोरों में भरा जा रहा है ताकि वहां पे आराम से इजीली, ये हमारे बोरे हमने रखे हुए हैं और ये इस तरह से हमने बोरे भर भर के लगा दिए हैं ताकि सुबह शाम इजीली उठा के डाला जा सके। आप देख सकते हैं जी बहुत ज्यादा, आप ये आप देखिए कितनी मूंगफली है, ये देखिए आप देख सकते हैं जी मूंगफली बहुत ज्यादा है इसमें। और देखिए क्योंकि थ्रेसर से निकाली जाती है
तो कुछ जो हल्की मूंगफली रहती हैं वो नीरे के साथ आ जाती हैं, जिसमें से कि कुछ खाली भी मिलती हैं। ये सारी गिरी भरी भी नहीं है, काफ़ी सारी खाली भी हैं और कुछ इसमें भरी भी, बीच बीच में भरी हुई भी निकलती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने अभी अपना स्टॉक मंगवा रहे हैं और अभी हम इसमें, मैंने करीब अपने लिए 200 क्विंटल का ऑर्डर दिया है, तो क्योंकि ये इसी सीजन पे मिलेगा, फिर अगले साल मिलेगा, तो इससे बेटर है कि अपना स्टॉक जब अपना इकट्ठा करके रख लीजिए, पूरी सर्दियां आप खिलाइए। गवार का भूसा और ये मूंगफली का भूसा, दोनों मिला के आप अपने पशुओं को खिलाएंगे तो पशुओं की सेहत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और पूरा हरा है, एकदम एकदम हरा है, आप देख सकते हैं फुल हरा एकदम, बहुत ज़्यादा, यानी ये हरे पत्ते में जो जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरा का पूरा स्टोर हो जाता है। उसके साथ साथ ये हमने कुछ अपना, हम यहाँ नेचुरल खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती, ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे देसी, अपनी हमारे अपने फार्म की देसी गोवंश का जो भी हमारा ये गोबर है ये हम डालते हैं। और अभी हमारे आप पालक देख सकते हैं, हमने पालक लगाई है जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ आ रही है। ये हमने इसमें अलग अलग तरह की फसलें लगा रखी हैं, मेथी जैसे मेथी है, ये भी छोटी छोटी है, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कुछ पालक, उधर भी पालक लगाई है, उधर हमने मूली और गाजर लगाई हुई है, और ये भी, ये इधर भी हमने मूली लगाई है, कुछ थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने ये कुछ गोभी लगा रहे हैं, कुछ टमाटर लगा रहे हैं। अब ये हमारा जितना भी वहाँ तक जो भी आप जगह देख रहे आगे, ये सारा के सारा सब में हम ऐसे ही सब्जी लगाने वाले हैं। और हमारी गोवंश को भी हम, जैसे अगर उत्पादन ज़्यादा होता है तो हम अपने गोवंश को भी खिलाएंगे सब्जियाँ, और उसके अलावा जो हमारे पास में हमारे फार्म पे जैसे जो भी विजिटर आएंगे उनके लिए भी हमने स्पेशली ये प्राकृतिक नेचुरल खेती से उगाई गई सब्जियां हम लोग उनको टेस्ट जरूर कराएंगे। और बाकी हमारे अपने खुद के लिए भी हमने लगाई है, ये आप देख सकते हैं, ये गाजर अभी हमारी हो गई है, किसी तरह का कोई भी स्प्रे नहीं डाला, 1% भी हमने स्प्रे यूज नहीं किया, ना यूरिया ना DAP कुछ यूज नहीं किया है। और आप पालक की ग्रोथ देखिए, पालक की चमक देखिए, इसके पत्ते का रंग देखिए, बहुत बहुत ही बढ़िया है, किसी तरह का कोई भी आपको उसमें कीड़ा नजर नहीं आएगा। ये मूली है, मूली में भी किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, और गाजर भी बहुत शानदार हो रही है। तो मेरे भाइयों, अगर आप अपने फार्म पे देसी गोवंश रख रहे हैं तो साथ साथ उसका जो गोबर मूत्र है, देसी गाय का गोबर गौमूत्र का आप जीवामृत, घन जीवामृत बनाइए और इस तरह से आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आपको एक गोबर का आप सही यूटिलाइज कर पाएंगे और आपके घर में हरी सब्जियां आप खा पाएंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह का हरा, बिल्कुल हरा, बहुत बढ़िया है। अब इसी का अगर मैं कंपेयर करूं, एक छोटी सी मैं चीज आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, ये अभी हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए ये है जी मूंगफली का हरा है, और ये देखिए ये गेहूं का भूसा, इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई इसके अंदर ताकत नहीं है जी, बिल्कुल बेकार, ये देखिए पूरी ताकत है। और आप समझ सकते हैं कि इसकी जो करारापन है, ये पशुओं को बहुत अच्छा लगता है। इसमें देखो हरे पत्ते कितने हैं, बहुत हरे पत्ते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पशुओं के लिए चाहिए हमारे पशुओं को, ये इसमें कोई भी पत्ता नहीं है, सब बेकार है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की जो फसलें हैं हमारी और उनका प्रोडक्शन आप अपने खेतों में कीजिए, नेचुरल तरीके से, बिना केमिकल वाला आप कोई भी फसल उगाएंगे और उसको आप अपने पशुओं को डालेंगे तो आपका प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा, जो आपका जो दूध का प्रोडक्शन है वो भी आपका बढ़ेगा, पशुओं की सेहत भी बढ़िया रहेगी, आपका बजट भी कम आएगा, कम खर्चा लगेगा। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, इस तरह की कोई और अच्छी वीडियो आएगी तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय गोमाता, जय भारत।